नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। हिंदी व्याकरण ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 4, और पाठ संख्या 4 है संज्ञा। निम्नलिखित को देखो, पढ़ो और समझो। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यह नई दिल्ली का प्रगति मैदान है। रवि अपनी बहन माधुरी के साथ मेला देखने आया है। रवि ने मेले में से एक पुस्तक खरीदी, माधुरी ने एक आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाकर माधुरी को प्रसन्नता हुई। शाम को वे बस पकड़कर घर चले गए। इन वाक्य में आए रंगीन छपे शब्द विभिन्न प्रकार के नामों की ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे व्यक्ति का नाम रवि माधुरी, स्थान का नाम नई दिल्ली, प्रगति मैदान, मेला, घर, वस्तु का नाम पुस्तक, आइसक्रीम, बस, और भाव का नाम प्रसन्नता। व्याकरण में विभिन्न प्रकार के नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी भाव या गुण का नाम हो, उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान कराते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का ज्ञान कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा, ये हैं व्यक्तियों के नाम। मुंबई, लंदन, स्थान का नाम। लाल किला, ताजमहल, इमारत का नाम है, मतलब वस्तु का नाम, आदि। जातिवाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी विशेष वर्ग या जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष वर्ग या जाति के सभी प्राणियों को हम उस नाम से पुकारते हैं। जैसे कि पत्ता। अब पत्ते तो तरह तरह के हैं, लेकिन है वो उनका क्या विशेष वर्ग कि वो पत्ता है, तो उसे हम किस नाम से पुकारेंगे? पत्ता। घोड़ा, सांप, पर्वत आदि। अब है भाववाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, धर्म, दशा या स्वभाव आदि का बोध कराते हैं। उनका धर्म क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनकी दशा कैसी है, उनमें गुण क्या है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुंदरता, अमीरी, बुढ़ापा आदि। जैसे हमने पिछले पेज पर देखा प्रसन्नता, तो माधुरी को आइसक्रीम खाकर प्रसन्नता हुई, ये उसकी दशा थी उस समय जब उसने आइसक्रीम खाई। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह, झुंड, समुदाय आदि का बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, परिवार। अब परिवार में तो परिवार के लोग होते हैं बहुत सारे, तो हो गया समूह। सभा, कक्षा, भीड़, दल आदि। तो यहाँ पर हर तरह के समूह के लिए एक नाम दिया गया है, इन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ऐसे पदार्थ का बोध कराते हैं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ऊन, चांदी, तेल, लोहा आदि। तो इन पदार्थों से और दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे की जाती है?
मुख्यतः निम्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा शिक्षक, तो भाव क्या है, शिक्षक क्या देता है, शिक्षा। भाई में क्या होता है, भाइयों में भाईचारा। मजदूर क्या करता है, मजदूरी। कवि, कवित्व। मानव, मानवता। बच्चा, बचपन। अब है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्व, सर्वस्व। निज, निजत्व। स्व, स्वत्व। अपना, अपनापन। आप, आपा। मम, ममत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण है दुष्ट, और दुष्ट में क्या होती है, दुष्टता। मूर्ख में मूर्खता। सफेद, सफेदी। प्यास, प्यासा। भला, भलाई। अमीर, अमीरी। अब क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। दौड़ना, दौड़। खेलना, खेल। लिखना, लिखाई। हंसना, हंसी। बैठना, बैठक। सोचना, सोच। क्रिया विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो क्रिया विशेषण है नित्य, नित्यता। शीघ्र, शीघ्रता। बहुत, बहुतायत। निकट, निकटता। जल्दी, जल्दबाजी। दूर, दूरी। तो हमने तरह तरह के जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना यहाँ पर सीखा है। तो आप बच्चों, इन सभी शब्दों को किस प्रकार भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है, इसे याद करेंगे। आगे चलते हैं। क्या पढ़ा, क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। संख्या की परिभाषा लिखो, उसके भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखो। तो संख्या की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संख्या कहते हैं। और इनके भेद कौन से हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इनके उदाहरण आप स्वयं देंगे। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। किस प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है, किन्हीं तीन के दो दो उदाहरण दो। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर पाठ को पुनः पढ़कर स्वयं देंगे। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखो। लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सत्य, क्योंकि ये एक विशेष इमारत का नाम है। दौड़ना भाववाचक संज्ञा है, असत्य, दौड़ना क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है, दौड़। संज्ञा के चार भेद होते हैं, असत्य। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, सत्य, क्योंकि सोने से हम अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। बालिका सो रही है, बालिका। वह पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई। यह तोता हरा है, तोता। मीना बहुत सुंदर है, मीना। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ईमानदारी। और उसका घोड़ा काला है, घोड़ा। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। लिखना, लिखाई। अपना, अपनापन। सुंदर, सुंदरता। अब ये जो तीन शब्द हैं, दौड़ना, लूटना और वकील, इनकी भाववाचक संज्ञा आप स्वयं बनाएंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह संज्ञा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।